चैनल माय नेम इज रोहित सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे द न्यूज़पेपर वर्ल्ड जिसमें करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया इस टॉपिक को आज सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके आने वाले जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैं जो आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ जिसमें हम अभी तक पाँच से छः टॉपिक कर चुके हैं कंप्यूटर के चार पांच टॉपिक कर चुके हैं जीएस के हम सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द तो सिलेबस में आपका सारा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स एंड पी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की देखो टॉपिक काफ़ी एक क्वेश्चन आपको इसमें से आना है इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के रिलेटेड इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे के सारे सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे डोंट नीड टू वरी ये वीडियो पूरा वॉच कर लो इसको रिवीजन कर लो अच्छे से इसका रिवीज़न कर लो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस रिलेटेड टॉपिक इसमें हम करेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर्स पब्लिश की गई थी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ द्वारा वो क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि एग्ज़ामिनर का वो एक फेवरेट क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनर इस टॉपिक में से पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए विच इज़ द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश इन इंडिया तो पहला न्यूज़ पेपर जो पब्लिश किया गया था इंडिया में इन सेवनटीन एटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जेम्स हेकी द्वारा इसे पब्लिश किया गया था एंड इज रिकग्नाइज एज द फर्स्ट न्यूज़ पेपर इन इंडिया तो ये आपको बताना था करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हेकी बंगाल गेजेट जिसका नाम था जो इंडिया का फर्स्ट हमारा न्यूज़ पेपर था बंगाल गेजट के नाम से एंड इसे किसने किया था इसे जेम्स हेकी द्वारा पब्लिश किया गया था ये आपको याद में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंटें यह क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम्स हुआ था जेके एस का आई थिंक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का स्टेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल नेक्स्ट इज विच न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था इन साउथ अफ्रीका टू प्रमोट द कॉज ऑफ इंडियंस यू नो जो डिस्क्रिमिनेशन uh, इंडियंस के साथ हुई है उसके रिलेटेड यू नो ये न्यूज़पेपर ताकि अवेयरनेस के लिए या कि अवेयरनेस को हम स्प्रेड कर चुके कर सकें अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट रेशल डिस्क्रिमिनेशन तो आपको बताना है कि इस न्यूज़पेपर का नाम क्या था इस न्यूज़पेपर का नाम था इंडिया इंडियन ओपिनियन ये आप याद रखें इंपॉर्टेंट जिसे साउथ अफ्रीका में 1903 में जब साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी उन्होंने इस पब्लिश, इसे पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन याद रखें हु इज़ नोन एज अ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस यू नो इन्होंने हमारी इंडियन प्रेस पे जो इसको वर्निकुलर प्रेस एक्ट के साथ कन्फ्यूज़ मत करना वो लॉर्ड लिटन ने लगाया था एंड उसे लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था दिस इज़ डिफरेंट थिंग ये लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे बोला जाता है ये हैं जी सर लॉर्ड सर चार्ल्स मैट -काफ. ये आप याद रखें दिस इज़ डिफरेंट उसके साथ कन्फ्यूज़ मत करना लॉर्ड लिटन uh, और मायो के साथ दिस इज दिस पर्सन इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस यू नो जो हमारी इंडियन प्रेस पे कुछ रोके लगी थी उन्होंने उसके अगेनेस्ट वो जो रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था मॉक टेस्ट आपके लिए अवेल कर दिए गए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें नेक्स्ट एग्जाम हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टॉपिक वाइज एम सी यूज़ आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं नॉमिनल सा अमाउंट रखा गया टू हंड्रेड का जिसमें आपको दस फुल लेंथ मॉक में लेंगे एंड टॉपिक वाइज एम सी की मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेके एस एस बी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम तो अभी जाकर डाउनलोड करें और काफ़ी टॉपिक्स आपके अपलोड हो चुके हैं मॉक टेस्ट कंप्यूटर के भी मॉक टेस्ट अवेल करवा दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हू वॉज द फाउंडर ऑफ केसरी जो न्यूज़पेपर था हैज़ प्लेड पी रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तो फाउंडर ऑफ केसट्री न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे ये आपको बताना है। इस न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं बाल गंगाधर तिलक ये आपको याद रखना है एंड इन्हीं का जो स्लोगन है स्वराज वो आपको याद रखना है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैविट उन्नीस सौ सोलह में उन्होंने ये यू you नो know, ये जो लखनऊ जो सेशन था उसमें ये नारा दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट वो भी आप याद रखें आगे बढ़ते हैं विच न्यूज़पेपर लॉन्च बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये पहला न्यूज़पेपर था इनके द्वारा लॉन्च किया गया था एज अ वॉइस फॉर द फ्रीडम यू नो फॉर द फ्रीडम मूवमेंट इस न्यूज़पेपर का नाम है द नेशनल हेरल्ड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर डिटेल्स मैं सारी लाया हूँ इसके साथ जो एडिशनल जब आप पी डाउनलोड करेंगे यहाँ से एक वरी गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा विच वॉज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया हिंदी इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर इंडिया का था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उदंत मार्टन जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था हमारे इंडिया का इसे पब्लिश किया गया था अठारह में ओके okay? ये फर्स्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था ये आप याद रखें एंड इसको यू you नो know, इसको पब्लिश किया गया था इसे बेसिकली पहले ट्यूज़डे को इसे पब्लिश किया जाता था ओके okay? इसे हर ट्यूजडे को पब्लिश किया जाता था बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसके फाउंडर भी माने जाते हैं वट इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़ पेपर इन द वर्ल्ड यू नो इंग्लिश न्यूज पेपर सबसे ज्यादा सर्कुलेट जो होता है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया ओके ये आप याद रखें ओके टाइम्स ऑफ इंडिया को ओरिजिनली द बॉम्बे टाइम्स एंड द जर्नल ऑफ कॉमर्स बोला जाता जब इसकी फाउंडेशन की गई थी ओके विच आर द फॉलिंग न्यूज पेपर वर बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इट्स रेवोल्यूशनरी कंटेंट ओके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के दौरान ये जो न्यूज़ थे इनको बैन किया गया था ब्रिटिश यू नो सरकार द्वारा सो ये थी बंदे मातरम वंदे मातरम जो थी जिसे बिपिन चंद्र बैट बिपिन चंद्र पाल द्वारा बेसिकली इसे स्टार्ट किया गया था इस पर प्रतिबंध लगाया था ब्रिटिशर्स ने वंदे मातरम हु स्टार्ट द न्यूज़ पेपर संबंध कमोडी एडवोकेटिंग सोशल रिफॉर्म्स एंड एंड ऑफ सती इसे किसने स्टार्ट किया था इस न्यूज़ पेपर को स्टार्ट किया गया था ये फाउंडर ऑफ यू नो ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा ये आप याद रखें अठारह सौ इक्कीस में इसको लॉन्च किया था विश न्यूजपेपर वॉज स्टार्टिड टू सपोर्ट दंडिपेंडेंस मूवमेंट कौन से न्यूज़ पेपर थे जिसे स्टार्ट किया गया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने चेक करना है देखो अब क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स ये तो थी न्यूज़पेपर्स बट एजुटेशन के दौरान इंडिपेंडेंस के दौरान यंग इंडिया नहीं थी इसका जो करेक्ट आंसर है अमृता बाजार पत्रिका ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जिसे रिलीज़ किया गया थ, इसे found किया था जिसे फाउंड किया गया था अठारह सौ अट्ठासठ में एंड एक क्रिशल रोल प्ले किया था इसने इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ये आप याद रखें विच इट इज होम टू देडक्वार्ट टाइम्स ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स पूछ रहे सो so ये मुंबई इसका करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलिंग न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज इन इंडिया पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज को रेज करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो न्यूज़ पेपर एडिट किया गया था ये आपने बताना है सो नेम ऑफ दिस न्यूज़ पेपर इज यंग इंडिया ओके यंग इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़ पेपर इन इंडिया बाय सर्कुलेशन तो वर्ल्ड में भी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ही ये इसका जो सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा इंग्लिश अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज you know, uh, so, uh, Sub में टाइम्स ऑफ इंडिया वो फाउंडेड द हिंदू न्यूज़ पेपर हिंदी न्यूज़ पेपर के फाउंडर कौन है दिस वॉज फाउंडेड बायो जी सुब्रहण्यम आयर सो सुब्रमण्यम आयर इज़ द करेक्ट आंसर एटीन सेवनटी एट में इसकी फाउंडेशन की गई थी विच इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़ पेपर इन इंडिया सबसे पुराना सबसे पुराना है और अभी तक इसे पब्लिश किया जाए अभी दो में 200 साल पूरे हुए थे बॉम्बे समाचार की हम बात कर रहे हैं ओके ये अब याद रखें 1822 में शुरुआत हुआ था विच इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड बॉम्बे समाचार तो इंडिया का है अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो ये ऑस्ट्रिया का ये जो है जी न्यूज़पेपर वेर एन सेटिंग ये न्यूज़ पेपर है सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़ पेपर है सतारह से पब्लिश किया जा रहा है ये आपको याद रखना ऑस्ट्रिया का विच कंट्री पब्लिश द लार्जस्ट नंबर ऑफ़ डेली न्यूज़ पेपर्स तो हमारा इंडिया ही यू नो डिफरेंट कल्चर है डिफरेंट लैंग्वेज है तो सबसे ज़्यादा लार्जस्ट नंबर ऑफ़ न्यूज़ पेपर्स यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में अगर हम बात करें तो इंडिया ही है सबसे ज़्यादा न्यूज़ पेपर पब्लिश करता है ड्यू टू तो इट्स डाइवर्स पॉपुलेशन एंड मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी विच ने नेशनलिस्ट लीडर स्टार्टड उर्दू न्यूज़ पेपर अल हिल अल हिल न्यूज़ पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था बाई अवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन्नीस सौ बारह में इसको लॉन्च किया था बाद में से बैन भी कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग डेली न्यूज़ पेपर इन द वर्ल्ड इन वर्ल्ड बात कर रहा है डेली न्यूज़ पेपर तो ये है जी आपका वर्ल्ड में बात करें योमेरी शिम ये जापान का न्यूज़पेपर है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड ये आपको याद रखना है ओके okay, ये जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया बताया वो इंग्लिश में था यहाँ इसमें कन्फ्यूज नहीं करना विच ऑफ द फोनिंग न्यूज़ पेपर वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन होम रूल मूवमेंट ये कौन सा न्यूज़ पेपर है लेट बाय एनी बेसेंट सो दिस न्यूज़ पेपर इज़ न्यू इंडिया ये आप याद रखें ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है विच न्यूज़ पेपर इज नोन एज द पेपर ऑफ रिकॉर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स पेपर ऑफ़ रिकॉर्ड बोला जाता है इस न्यूज पेपर का नाम है द न्यू यॉर्क टाइम्स वाई इट इज रेफर्ड एज पेपर ऑफ़ रिकॉर्ड फॉर इट्स कंप्रीहेंसिव एंड ऑथोरेटिव करेज ऑफ न्यूज़

जो द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टेट ऑन न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसी यू नो स्टेट ऑंड यानी कि कहें कि प्रॉपरली न्यूज़ ट्रस्ट एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो सारी चीज़ें ये गवर्न करता है हैडक्वार्टस न्यू दिल्ली में मिलेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन राइट नाउ हैं अविक सरकार ये आप याद रख सकते हैं विच हिंदी न्यूज़पेपर है लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सर्कुलेशन है दैनिक जागरण का ओके okay? इंडिया में अगर हम बात करें हिंदी न्यूज़ पेपर का इसके बाद आपका दैनिक भास्कर आता है सबसे ज़्यादा हिंदी दैनिक जागरण विच रेवोल्यूशनरी न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाई लाला राजपत राय टू एडवोकेट स्वराज एंड क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल तो न्यूज़पेपर स्वराज लाला राजपत द्वारा स्टार्ट किया गया था सो दिस न्यूज़पेपर वॉज यू नो स्वराज इसका नाम ही स्वराज है विच न्यूज पेपर इज रेफर्ड एज द ओल्ड लेडी ऑफ बोरीबंदर बोरीबंदर मुंबई में मिलता है इस हेडक्वार्टर टाइम्स ऑफ इंडिया के में मुंबई में तो ये न्यूज़ पेपर ये ओल्ड लेडी ऑफ बोरिंदर किसे बोला जाता है न्यूज़ पेपर को दिस इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया विच न्यूज़ पेपर इज़ नोन फॉर इट्स पिंक पेज इन बिजनेस न्यूज़ रिपोर्टिंग तो बिजनेस न्यूज़ इन पिंक पेज जिस न्यूज़ के लिए ये ये न्यूज़ पेपर फेमस है फॉर इट्स पिंक पेज हम बात कर रहे हैं द फाइनेंशियल टाइम्स की ये आप याद रखें फाइनेंशियल टाइम्स इस न्यूज़ का नाम है ग्लोबली से पब्लिश किया जाता है विच न्यूज पेपर वॉज एडिटेड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हज अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस न्यूज़पेपर को एडिट किया गया था इस न्यूज़ पेपर का नाम है फॉरवर्ड ओके फारवर्ड ब्लॉग द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था विच न्यूज़पेपर वॉज एसोसिएटेड विद द लाहौर बेस्ड रेवोल्यूशनरी गद्दर पार्टी गद्दर पार्टी के रिलेटेड जो न्यूज़पेपर का इस न्यूज़ पेपर का नाम ही गद्दर था ओके okay, ये आप याद रखें

हरिजन या आप याद रखें स्टेट फॉरवर्ड विच न्यूज़पेपर हैज़ इट्स हाइस्ट डिजिटल रीडरशिप यू नो डिजिटली जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया आप मोबाइल में पढ़ते हैं यू नो लैपटॉप आप वेबसाइट्स पढ़ते हैं तो डिजिटली हम इसे कहते हैं तो ये हो गया जी आज का टॉपिक जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर रिलेटेड क्वेश्चन किए ट्रस्ट मी आप इतना टॉपिक कर लें तीस से पैंतीस क्वेश्चन मैंने शेयर किए एक क्वेश्चन आपसे आएगा इसी में से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा जनरली क्वेश्चन आपसे किसी फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड न्यूज़पेपर के बारे में पूछता जो जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सबके सामारे कवर कर लिए तो ये हो गया जी हमारा वीडियो ये भी खत्म ये टॉपिक भी खत्म अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आप बने रहिए हमारे चैनल से पूरा सिलेबस में आपका कवर करवा रहा हूँ जनरल साइंस भी कवर करवाऊंगा आप, आपका हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ जितना अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ बट आप सपोर्ट बनाए रखें वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ मॉक टेस्ट जरूर परचेज करें मॉक टेस्ट भी आपका काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे थैंक यू गाइज केयर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू टेक केयर सी यू सोने नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा अकॉर्डिंगली सिलेबस हम शेयर करेंगे